हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी नार्जो एन कैसे अपने फ़ोन में N65 फ़ोन में आप कैसे फाइल पे जाकर स्टोरेज वगैरह को खाली कैसे कर पाएंगे अपने रियल मी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन में स्टोरेज वगैरह को कैसे आप खाली कर सकते हैं और कैसे क्लीन कर सकते हैं स्टोरेज को अपने Realme Narzo फ़ोन में। तो आज हम वीडियो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो रहे हैं जिसमें से आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते हुए सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से स्लाइड करते हुए आपको इस पर चले जाना है, जहाँ से आपके पास स्टोरेज सेटिंग्स आते हैं डिवाइस स्टोरेज, जिसको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ से क्लीन नहीं और ये जैसे, तो आपको बैक करना है और यहाँ से चले जाना है फाइल ऑप्शंस पे। फाइल पे जाकर जो भी स्टोरेज आप डिलीट करना चाहते हैं और खाली करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इस तरीके से फाइल्स वगैरह सेलेक्ट करके आप डिलीट मार पाएंगे, तो डिलीट करके स्टोरेज खाली कर सकते हैं। नहीं तो आप थ्री डॉट पर जाते हैं तो आप क्लीन अप करके भी स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। इस तरीके से क्लियर करते हैं तो स्टोरेज आपके फ़ोन में खाली हो जाएगा। तो इस तरीके से भी स्टोरेज को खाली कर सकते हैं और आप अपने फ़ोन में यहाँ से ट्रैश पे जाकर भी इस तरीके से सिलेक्टेड करके डिलीट कर देंगे तो स्टोरेज आपके फ़ोन में खाली हो जाएगा और आप खाली कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसको आप यूज़ कर पाएंगे और स्टोरेज को खाली कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि आप यहाँ से मेमोरी कार्ड भी डिलीट कर सकते हैं करना चाहें, नहीं तो आप यहाँ से स्टोरेज को कुछ इस तरीके से खाली कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।